हेलो गाइस, माय नेम इज लखन एंड आई लव नेचर। दोस्तों, अब नीलगाय नहीं, अब मैं कुछ महीने तक पिकॉक्स के वीडियो अपलोड करूंगा आपको। और पिकॉक्स के वीडियो में कई बार हम पिकॉक्स से अटखेलियाँ करते हैं। तो आप देखो, एक लड़का है ये सामने, मैंने इसको बोला चल पिकॉक्स के पीछे से पंख पकड़ने, तब ये पिकॉक के पास जा रहा है। क्योंकि नृत्य करते हुए कई बार पिकॉक को ये पता नहीं चलता उसके पीछे से क्या हो रहा है। कई बार इस तरीके से जंगली जानवर भी इनका शिकार भी कर लेते हैं। तो चलो, ये बच्चा भी ये पेड़ के पीछे छिप जाता है और उसके बाद में दूसरे एंगल से मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये पिकॉक है और ये बच्चा यहाँ से पीछे से इसको आएगा और इसके पंख टच करेगा। मैंने इस बच्चे को बोला कि चलो पिकॉक के पंख टच करो। तो देखो, बहुत मज़ेदार सीन है और मैं दिखाता हूँ आपको रियली बहुत। ये देखो, पिकॉक्स अपनी मस्ती में मस्त है, साथ में मादा है और मादा को रिझाने में बिल्कुल बिजी है। लेकिन अब यहाँ से इस जगह से ये लड़का बाहर निकलेगा और ये पिकॉक जैसे ही उसकी तरफ बिल्कुल पीछा कर लेगा, यानी कि अपना बैक साइड उसकी तरफ करेगा जब वो लड़का पेड़ की तरफ से आएगा और इसके पंखों को पकड़ ले। ऐसे कई बार पकड़ सकते हैं पिकॉक्स को, आराम से पकड़ सकते हैं लोग। अब देखो, आराम से धीमे, पिकॉक्स को बिल्कुल मालूम नहीं है कि उसके पीछे भी कोई खतरा है। खतरा तो क्या है, वो तो जानबूझकर ऐसा हुआ है। ये देखो रियली बहुत। और आसपास के और भी जो मादा थी ना उसके पास, मादा भी बेचारी वहाँ से उठकर भग गई। अब सबसे बड़ी बात क्या है, ये पिकॉक थोड़ी दूर उड़ के जाता है और गुस्से में, आप देख सकते हो, कभी भी आपने नहीं देखा होगा पिकॉक को इस तरीके से, कैसे गुस्से में पिकॉक उस जगह से पल भर भी इधर से उधर नहीं हुआ और बिल्कुल गुस्से में, देखो एक जगह खड़ा हो गया। लेकिन क्या कर सकता है, कहते हैं ना महिला के सामने अपमान तो बड़ा घोर अपमान होता है। पीछे मादा है और पिकॉक वहाँ ही खड़ा रह गया। वो लड़का तो चलो एक मनोरंजन वाला मामला था, उसको इस पक्षी को चोट नहीं पहुंचानी थी तो चला गया। लेकिन ये देखो, मादा की वजह से उस जगह से एक पल भी नहीं हटा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना यार।